भारत वर्ष का 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीय समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट आया है। इस इतिहास का बहुत सामर्थ्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब किया है, अब हमको तब करना है। भागवत ने कहा कि अयोध्या में कोई कलह नहीं, रामराज्य आने वाला है। छोटे छोटे विवादों को पीछे छोड़ना होगा, समन्वय रखकर ही आचरण करना धर्म है। जहां दुख दिखे वहां दौड़ जाएं, दोनों हाथों से कमाएं। अपने को संयम रखना होगा, पवित्रता होनी चाहिए और इसके लिए संयम चाहिए। अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच न पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है।